नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। शाहबाद डेयरी में साहिल नाम के लड़के ने 16 साल की नाबालिग को चाकू गोद कर हत्या की। आइए जानते हैं आम जनता का इस पे क्या ख्याल है। एक 16 साल की लड़की है, उसकी चाकू गोद कर हत्या की है, 30 बार उसको चाकू से मारा है। आपको क्या लगता है कि लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी दे दो, फांसी देना है और का है, उसका फांसी देना है तभी सही रहेगा। फांसी दीजिए और कुछ नहीं है, वैसे आमदी को सही करना हो तब होगा। फांसी दीजिए और क्या होगा, दूसरा उपाय नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे लड़कियां असुरक्षित हैं हमारी, कभी बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, इस तरह से हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों के मन में डर हो? कुछ नहीं करना, वही करना सब कि उसका फांसी दो, फांसी दो, सब सही रहेगा। 6 बजे के बाद हम अपनी लड़कियों को भेजते हुए 10 बार पूछते हैं कि जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है, भेजे या ना भेजे, सोचना पड़ता है ना। उसको वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने उसके साथ किया है, मेरे हिसाब से। वैसे जो हो सज़ा वो हो, बट जैसे उसने किया उसके साथ वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसने तो बिल्कुल इंसानियत ही ख़त्म कर दी है। मतलब उससे ज़्यादा उन लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई जो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि अरे 3-4 लोग मिलकर उस लड़के को नहीं रोक पाए, जिसका वो खुद कबूल कर रहा है कि ये सज़ा मतलब करा है उसने, वो कबूल भी कर रहा है, तो उसको सज़ा फांसी तुरंत दे देनी चाहिए। उसके लिए इतने लंबे जो केस खींचे जाते हैं ये गलत है। जब आपको सामने दिख रहा है, आपको वीडियो, आपके पास प्रूफ है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप क्या कहते हो उसको जेल में की ओर बंद रखते हो, मुफ्त की रोटियाँ खिला रही है सरकार। कानून हमारा सही है बट उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, और सज़ा अगर मिलती रहेगी हर गुनहगार को तो फिर ऑटोमेटिक सज़ा गुनाह कम करेंगे लोग जो कर जाते हैं। जब देखा तो दिल दहल गया कि 16 साल की लड़की को इस तरह से मारा गया, 40 बार उसने चाकू मारा, उसका मतलब ईंट से मारा पता नहीं कितनी बार उसको, तो उसको सख्त, उसको तो फांसी दे दो सबसे बढ़िया है। दामनी के केस में फांसी हुआ था तो केस बहुत कम आए थे उसके बाद से, इसको भी फांसी मिलनी चाहिए। डर लगता है कि क्या? बहुत डर लगता है, जो लड़की वाला उनको तो इतना डर लगता है, कहते हैं आगे लड़की होनी ही चाहिए, इस हिसाब से तो हक्के बता रही हूँ। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि लगाएंगे कि कैडी से कैडी सजा दे, आगे हाथ से ही बंद हो जाए बस। उसका आज इस लड़के के संग करा, कल को दूसरी के संग करेंगे, ऐसे तो गे लोग तो अपने खुले टहलेंगे, अब गे लोग बलात्कार और गे गंदे वो करेंगे। अब बेगुनाह किसी की बच्ची चली गई जरा सी देर में हाथ से, नहीं इसको तो सज़ा मिलना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि और लोग भी इस बात से थोड़ा आगाह होंगे कि आज इसके संग कराए कल को दूसरे का संग करते हुए डरेंगे इस बात के लिए। तो देखा कि आपने कैसे आम जनता ने अपनी राय दी। कैमरा जनरल प्रशांत के साथ रश्मि की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।